इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यद्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभा राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अशद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मने मया ततम् इदं सर्वम् जगद् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमयेश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिका कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुझ जैसे दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस अत्यंत गुप्त व परम ज्ञान को मैं गूढ़ रहस्यों के साथ बताता हूं, जिसको जानकर तू इस संसार जीवन जैसी अशुभ अवस्था से मुक्त हो जाएगा। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, सब गोपनीयों का भी राजा एवं अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला तथा धर्मयुक्त है। ये अविनाशी ज्ञान आचरण के लिए भी अति सुगम है। परंतु हे अर्जुन, इस धर्म ज्ञान पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे न प्राप्त होकर मृत्युमय संसार के मार्ग में बार बार भ्रमण करते हैं। हे अर्जुन, अव्यक्त स्वरूप वाले मुझसे ये सर्व जगत व्याप्त है, सर्वभूत समुदाय मुझ में स्थित है, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। साथ ही वे सब भूत समुदाय मुझ में स्थित नहीं है, ऐसी मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को तू देख। भूतों का धारण पोषण और भूतों को उत्पन्न करने वाला होते हुए भी मेरी आत्मा भूतों में स्थित नहीं है। जैसे सर्वत्र विचरने वाला महान वायु आकाश में से उत्पन्न है, आकाश में ही स्थित है, वैसे ही ये संपूर्ण भूत समुदाय मुझ में स्थित है, ऐसा जान ले। हे कौन्तेय, कल्प के अंत में ये भूत समुदाय मेरी प्रकृति में लीन हो जाता है और कल्प के आदि में
मैं फिर से उनका सर्जन करता हूँ। प्रकृतिम स्वाम अवश्यभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं क्रोत्स्नम अवशम प्रकृतेर्वशा नच माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवदासीनम् असक्तम् तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतेः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौतेय जगद् विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावं अजानन्तो मम भूतं महेश्वरम् मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् मैं अपनी प्रकृति के आश्रय में प्रकृति के बल से पराधीन हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। हे धनंजय, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन से स्थित मुझ परमात्मा को वो कर्म नहीं बांधते। हे कौन्ते, मेरी अध्यक्षता से ये प्रकृति जड़ तथा चेतन जगत का निर्माण करती है और इस हेतु से ही ये संसार चक्र घूमता रहता है। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग जो मनुष्य का शरीर धारण करते हैं मेरी ही अवज्ञा करते हैं। इन लोगों की आशा व्यर्थ है, कर्म व्यर्थ है और उनका ज्ञान भी व्यर्थ है, क्योंकि ये विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी आसुरी तथा मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले महात्मा जन मुझको भूतों का आदि कारण तथा नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं, जो नित्य ही दृढ़ता से योगाचरण करने वाले हैं,
वे भक्ति पूर्वक सदैव मेरा कीर्तन करते हैं। मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहकर मुझको प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में लगते हुए अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। और अन्य लोग ज्ञान यज्ञ से अभिन्न भाव से मेरा यजन करते हुए और दूसरे लोग बहुत प्रकार से स्थित मेरे विराट स्वरूप की पृथक भाव से भी उपासना करते हैं। अहम् क्रतुः अहम् यज्ञः स्वधाहम् अहमौषधम् मन्त्रोऽहम् अहमेवाज्यम् अहम् अग्ने अहम् हुतम् पिताहम् अस्य जगतो माता थाता पितामहः वेद्यं पवित्रं ओंकार रुक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहम् अहम् वर्षम् निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसत्याहमर्जुन त्रैविद्या मां सोम पापूत पापा यज्ञेरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगा ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनोप्रपन्ना गतागतं कामकामालभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौतेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् क्योंकि क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषध मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, तथा हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। मैं ही इस जगत का माता पिता, धारणकर्ता, पितामह, ज्ञेय वस्तु, पवित्र वस्तु, ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद हूं। मैं ही अंतिम परम गति, पोषणकर्ता, स्वामी, साक्षी, निवास स्थान, शरण लेने योग्य, मित्र, उत्पत्तिकर्ता, लयकर्ता, स्थित का आधार, निधान तथा अविनाशी
कारण बीज हूं। सूर्य रूप से मैं ही तपता हूं, वर्षा का आकर्षण करता हूं और उसे बरसाता हूं। हे अर्जुन, मैं ही अमृत तथा मृत्यु हूं और सत असत भी मैं ही हूं। तीनों वेदों का ज्ञान रखने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष यज्ञों द्वारा मेरा पूजन करके स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हैं। वे पुरुष पुण्यों के फल स्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त करके स्वर्ग लोक में देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार त्रिविद्या के अनुयायी बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं और जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मेरा चिंतन करते हुए निष्काम भाव से मुझे भजते हैं, उन नित्य भक्तों का योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं। हे अर्जुन, यदि कोई मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर अन्य देवताओं की भी सकाम भक्ति करते हैं, वे भी अंत में तो मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु ये अविधिवत यानी अज्ञान से किया गया होता है। अहम् हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्वेनातश्चवन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितृं यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरुतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु जाप्यहम्। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते और इसी कारण पथ से गिरते हैं और पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितृओं को पूजने वाले पितृओं को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और इसी प्रकार मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं।
यदि कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, तो उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम से अर्पण किया हुआ वो सब मैं ग्रहण कर लेता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वो सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार तू शुभ तथा अशुभ फल वाले कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा और कर्म फल त्याग रूप सन्यास योग से युक्त चित्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। मैं सब भूतों में समभाव से व्याप्त हूँ, मेरा कोई द्वेष पात्र नहीं और न ही कोई प्रिय पात्र है। फिर भी जो भक्त मुझको ही प्रेम से भजते हैं, वे मुझमें हैं और मैं भी उनमें स्थित हूँ। अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शान्तिं निगच्छति। कौन्तेया प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयो नयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः भक्ताः राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैश्यसि युक्त्वैवं आत्मानं मत्परायणः। अति दुराचारी भी अनन्य भाव से यदि मुझको भजता है तो वो साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि अब वो यथार्थ निर्णय पर पहुंच चुका है। इसलिए वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत तथा परम शांति को प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता, ये तू निश्चित सत्य मान ले। हे पार्थ, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा चांडाल आदि पाप योनि के जो भी कोई हों, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। तो फिर जो पुण्यशाली भक्त जन ब्राह्मण तथा राजर्षि गण हैं, उनका तो कहना ही क्या। इसलिए इस अनित्य व सुख रहित लोक में जन्म लेकर निरंतर मेरा ही भजन कर। तू अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो तथा मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके तू मुझको ही प्राप्त होगा।